दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, रावण, ए रावण कहाँ गया रे? रावण बोलता है, आ रहा हूँ। मैं बोला, कहाँ घुसा है? इतनी बोलने की हिम्मत तुझ में कैसे हो गई बच्चे? बच्चे नहीं, मैं भी मानव हूँ, मैं भी तुझसे लड़ सकता हूँ। तू ये क्यों समझ रहा है कि मैं तुझसे लड़ नहीं सकता? डरपोक रावण, यदि तुझ में शक्ति है तो मुझसे आके निपट। तो रावण क्या है? रावण यदि जिसके नौ ग्रह उसके बंदी हों, जिसके पैर रखने से पृथ्वी हिलती हो, वो कभी किसी से डर सकता है क्या? रावण तीनों लोक का स्वामी है, त्रिलोकी है, त्रिलोकी। अच्छा, एक नर से कैसे लड़ सकता है रावण? उस नर को शर्म आना चाहिए जिससे कि रावण से लड़ने की हिम्मत हो। हे रावण, तेरा अहंकार एक दिन तुझे विनाश करेगा, ये मेरा श्राप है और मेरे द्वारा ही तेरी मृत्यु होगी रावण। तो रावण का मतलब क्या होता है? रावण कौन है? रावण का मतलब होता है अहंकार। जो अहंकारी हो, जिसके अंदर अहंकार हो, जिसके अंदर क्रोध हो, वही रावण का रोल करता है, वही रावण कहलाता है। जितनी भी बुराइयां हैं, द्वेष है, बेबनस्ता है, सब ये गलत चीज है, सब ये रावण के ही लक्षण हैं। तो रावण बोल गया था कि मैं मरूंगा लेकिन मैं अमर भी रहूंगा। क्यों? मेरी आत्मा अमर रहेगी, इसलिए हम जो भी हैं इस संसार में, हम लोगों की आत्मा अमर है, लेकिन हम यहाँ से जाते हैं तो हमारा कुछ भी साथ में नहीं जाता। यही सत्य है कि हम इस शरीर को, जिस शरीर से हम बात कर रहे हैं आपसे, यह शरीर भी इस दुनिया में छोड़ के और हम इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। नमस्ते।